अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद नौज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सईद नौज ऑफिशियल में। दिनांक 5/3/2022 को शरीफगंज कटिहार में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मोहम्मद मिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन प्रमुख, हुदा क्लिनिक के डायरेक्टर मोहम्मद हुदा, सीमांचल गर्ल्स हॉस्टल के डायरेक्टर मोहम्मद जहांगीर के द्वारा सम्मिलित रूप से शरीफगंज वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2022 का उद्घाटन किया गया। शरीफगंज की सरजमी पर इस तरह का टूर्नामेंट पहली बार किया गया। इस टूर्नामेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्य कमेटी के रूप में मोहम्मद मुशब्बिर, मोहम्मद नजीबुर, मोहम्मद हुदा, मोहम्मद मिस्टर, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद अजहर एवं कार्यकर्ता के रूप में मोहम्मद वसीम, मोहम्मद फयाज, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद सऊद, मोहम्मद सादब, बादल एवं शरीफगंज वॉलीबॉल प्लेयर सभी ने अपने कार्य को बखूबी अंजाम दिया। शरीफगंज वॉलीबॉल टूर्नामेंट में अंपायर के रूप में जमात अली, मोहम्मद मोती, अब्दुल मतीन फौजी एवं अशफाक आलम ने ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को अंजाम दिया। वहीं कमेंटेटर के रूप में शरीफ नवाज, मास्टर बदरुद्दीन, मास्टर मुजाहिद ने दर्शकों को आंखों का हाल सुनाया। शरीफगंज वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कटिहार के 16 टीमों के बीच किया गया। कुछ टीमों ने बेहतरीन खेल दिखाया, परंतु सेमीफाइनल में पहुँचने में नाकाम रहे। शरीफगंज वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2022 का पहला सेमीफाइनल मैच मंसूरगंज यानी मोहनपुर वर्सेस कठुतिया के बीच खेला गया। बहुत ही रोमांचक मुकाबले में मोहनपुर ने कठुतिया को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरा सेमीफाइनल मैच सिफा हेल्थ क्लिनिक वर्सेस राजा ड्रग एजेंसी रतनपुर के बीच खेला गया, जिसमे रतनपुर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। फाइनल मैच 5 सेट का किया गया था, परंतु मोहनपुर ने लगातार 3 सेट जीतकर शरीफगंज वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2022 का खिताब अपने नाम किया। शरीफगंज के उपविजेता टीम रतनपुर को 7,000 रुपए एवं विजेता टीम मोहनपुर को 10,000 रुपए चीफ गेस्ट अजहरुद्दीन के द्वारा दिया गया। फाइनल मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण मोहम्मद गुलफराज को 1,100 रुपए, मोहम्मद अजफर को 500 रुपए एवं अताबुर को 300 रुपए नगद का पुरस्कार दिया गया। वहीं उपविजेता टीम के स्मैशर संदेश को 200 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा मोहम्मद हुदा एवं मोहम्मद शफीक उर्फ मामू के द्वारा विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को गमछा देकर सम्मानित किया गया। चलिए अंपायर साहब विसर दीजिए। चलिए संदेश सर्विस करेंगे 3 की।
पास किया
बिल्कुल फाइनल का जो तरह का रोमांच होना चाहिए उस तरह का रोमांच बिल्कुल शरीर भर के धरती पर दर्शक को मिलते हुए इसका आएगी फाइनल के पहले सेट के लिए।
और चेंज करने में कामयाब रहा। अगली सर्विस आएगी 10-8 की सर्विस आएगी, काफी बेहतरीन का मुजाहरा हो रही थी। दो अंक का फर्क जरूर है लेकिन दोनों ही टीमें काफी और सरीगंज की धरती पे इस तरह का टूर्नामेंट जो है बहुत सारे दर्शकों ने पहली बार अपने आंखों से देखा है और कहीं ना कहीं बहुत ही खिलाड़ियों में थोड़ी सी हड़बड़ाहट और इसके साथ ही एक और अंक का इजाफा 12-8 और इसी के साथ ही एक और अंक का इजाफा, एक और जोड़ा सही हो जाए। और अंपायर का इशारा भाई का तो फायदा मिल जाएगा राजा विजेंद्र सिंह को। 12-8 की सर्विस होगी अगली सर्विस और 27 और यहाँ पे और एक बार से मौका है यहाँ पे। अच्छा आज फिर तेरा नाम होगी यानी सब के लिए सेकेंड लास्ट बॉल।
एक और 50 रुपए का इनाम मिला था, तो कुल 250 रुपए का इनाम जीत चुके हैं पहले फाइनल मैच के पहले ही सेट में। और फिर से यहाँ पे मौका है गुरप्राज का एक और
I think that we should make it out of this.
किसी का है